हम लोग चर्चा करेंगे किंग नंबर 4 और मिनिस्टर नंबर 1 वाले लोग कैसे होते हैं, इनका व्यवहार कैसा होता है, जीवन में कितनी उन्नति करते हैं, 4 और 1 का वाइब्रेशन इनके जीवन में क्या लेकर आता है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि किंग नंबर 4 किन किन लोगों का होता है। तो जिन लोगों का जन्म महीने की 4 तारीख, 13 तारीख और 22 तारीख को हुआ होता है, उन सभी का किंग नंबर निकल कर आता है 4। और मिनिस्टर नंबर के लिए, जो मिनिस्टर नंबर 1 की है चर्चा हो रही है, आज मैं आपको 4 डेट ऑफ बर्थ देता हूं। तो सबसे पहले एक डेट ऑफ बर्थ हम नोट करते हैं, 4/1/1643। जब हम इसका किंग नंबर निकालते हैं तो आता है 4 और मिनिस्टर नंबर निकालते हैं तो आता है 1। और ये किसकी डेट ऑफ बर्थ है, ये है आइजैक न्यूटन की, जिनके ऊपर सेब गिर गया था। तब उन्होंने ये देखा कि कोई ना कोई ऐसा बल जरूर है पृथ्वी का जो हमारे ऊपर काम करता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल का नियम इन्होंने हमें दिया, गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है वो आइजैक न्यूटन ने दिया। तो ये एक साइंटिस्ट थे। अब दूसरी डेट ऑफ बर्थ आप नोट कीजिए, 22/11/1939। तो 22/11/1939 का जब हम किंग नंबर निकालते हैं तो आता है 4 और मिनिस्टर नंबर निकालते हैं तो आता है 1। तो ये किसकी डेट ऑफ बर्थ है, ये भारत के प्रसिद्ध अभिनेता, प्रसिद्ध नेता मुलायम सिंह यादव जी की है। तो ये भी आप देखिए, ये 4 और 1 की एनर्जी में है। अब एक डेट ऑफ बर्थ हम और लेते हैं, वो है 13/1/1949। जब इसका किंग नंबर निकालते हैं तो आता है 4 और मिनिस्टर नंबर निकालते हैं तो आता है 1। तो ये किसकी है, ये भी एक साइंटिस्ट थे, राकेश शर्मा, जो चांद पर गए, भारत के लिए चांद पर गए। तो ये चारों डेट ऑफ बर्थ जितने भी मैंने आपको यहां नोट कराई हैं, ये सब किसकी है, 4 और 1 के वाइब्रेशन को लिए हुए हैं। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर, आज आपके सामने लाया हूं 4 और 1 की एनर्जी वाले लोग कैसे होते हैं, उनका वाइब्रेशन 4 और 1 का कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले आज हम आपको बताएंगे कि 4 नंबर किसका होता है। 4 नंबर होता है राहु का। अब चारों के चारों जब हम देखते हैं कि जब मिनिस्टर की सीट पर यहां कौन बैठा है, 4 नंबर वाला, 4 नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, राहु को रिप्रेजेंट करता है। और राहु क्या है, राहु है रहस्यमय विचार, राहु है एक तरीके की तिगड़म, राहु है अपने जितने भी हमारे संस्कार हैं, सिस्टम है, उसको तोड़कर आगे बढ़ने की प्रेरणा, इस तरीके के विचार हैं राहु। तो राहु को हम जब भी रिप्रेजेंट करते हैं, वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे जो विचार होते हैं वो राहु वाले होते हैं। अब आज की डेट में अगर हम देखते हैं कि 4 नंबर वाले कौन है, तो आज की डेट में इस समय जो ये टाइम चल रहा है, राहु वाले लोग राजा लोग होते हैं। जिसका 4 नंबर आ गया, समझ लीजिए उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। तो कहने का मतलब यह है कि जब राजा की सीट पर बैठे हैं राहु देव, और उनको एडवाइस कौन कर रहे हैं, उनको एडवाइस कर रहा है 1 नंबर। तो 1 नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, 1 नंबर रिप्रेजेंट करता है सारे ग्रहों के राजा सूर्य देव को। अब सूर्य को हमें क्या देते हैं, सूर्य हमें आत्मबल देते हैं, सूर्य हमें घमंड देते हैं, सूर्य हमें दूसरे को असेस करने की क्षमता देते हैं, सूर्य हमारी आत्मा है। तो इस तरीके की जितनी भी चीजें हैं, ये सूर्य हमें देते हैं। अब 4 एक तरफ आ गया राहु, और एक तरफ आ गया सन, और ग्रहण कौन लगाता है सूर्य को, वो भी लगाता है राहु। अब इन दोनों का वाइब्रेशन एक्चुअली क्या होगा, देखिए जब राजा की सीट पर राहु बैठे हैं तो वो क्या करेंगे, अपने सारे कामों को बड़ी स्पीड से करना चाहेंगे। उनके पास क्या है, एक ऐसी विचारधारा है, एक ऐसी क्षमता है जो एकदम से बात उनके दिमाग में आएगी, क्लिक करेगी, राजा जो है मंत्री से एडवाइस करेगा, और सूर्य उसको क्या देगा, सूर्य यहां देगा उसको एनर्जी। हालांकि वो उसको ग्रहण लगाता है, वो बात ठीक है, लेकिन हर समय ग्रहण में नहीं रहता व्यक्ति। कुछ ऐसा समय आता है इन लोगों के सामने कि ये डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ होता है, लेकिन अधिकतर समय में 4 और 1 का कॉम्बिनेशन इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। जितने भी 4 के कॉम्बिनेशन आएंगे, आप देखना उन लोगों के अंदर वैचारिक क्षमता बहुत ज़्यादा होगी, काम करने की क्षमता बहुत होगी, और इंस्टेंट एनर्जी, तुरंत सोचने की क्षमता राहु वालों में बहुत ज़्यादा होती है। तो जब हम इसके वाइब्रेशन को देखते हैं तो सूर्यदेव यहाँ क्या करते हैं, राहु को अपनी पावर देते हैं। अब राहु को जब सूर्य पावर देते हैं तो ये लोग कैसे हो जाते हैं, ये लोग अनुशासित हो जाते हैं। और कभी कभी जब ये सारे अनुशासन को तोड़ते हैं,
जिस तरीके से सूर्य डेली निकलता है, लेकिन राहु का काम ये नहीं है कि वो पता चले रोज रोज काम करे, नहीं, उसके तो दिमाग में अगर कोई बात आ गई समझ लीजिए कि वो काम फिर होना ही होना है। तो ये थोड़े समय का छोटा सा विचार होता है जो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध बना देता है। देखिए अगर न्यूटन के ऊपर, ऐसे तो जने कितनी चीज़ें हमारे ऊपर गिर जाती हैं, या हम देखते हैं कि कोई चीज़ ऊपर डालते हैं फेंकते हैं और वो नीचे गिर जाती है, लेकिन न्यूटन के ऊपर जब एक एप्पल गिरता है तो वो गिरना कि उन्होंने पेड़ को देखा कि भाई ये एप्पल गिरा, इसका क्या मतलब, ऊपर लटका हुआ था नीचे आया, तो ऐसे व्यक्ति के दिमाग में जब ये विचार आता है तो उन्होंने ये सोचा कोई ना कोई ऐसी शक्ति जरूर है जिसको अभी तक हम जानते नहीं हैं, तो इन्होंने इसके ऊपर वर्क किया और आज हम लोग उनको जानते हैं। इसी प्रकार से जितने भी लोग मैंने आपको बताए, चाहे राकेश शर्मा जी हों, मुलायम सिंह यादव जी हों, बोलने की क्षमता इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। बोलने की क्षमता कहाँ से आती है, राहु नेतृत्व भी करता है और बाकी सारी नेतृत्व क्षमता कहाँ से आती है, सूर्य से। तो जिस मंच पर ये लोग खड़े होते हैं ये लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, इस तरीके की वाइब्रेशन को लिए हुए होते हैं फोर और वन वाले लोग। तो आज की डेट में फोर, जहां भी फोर आएगा, फोर वन, फोर टू, ये सारे लोग जहां पर राहु आ गया आप समझ लीजिए राजा है। उसका रीजन क्यों है, देखिए इसका रीजन ये है, आज हम जितनी भी चाहे हम यूट्यूब चला रहे हो, हम चाहे फेसबुक चला रहे हो, हम मोबाइल चला रहे हो, हम किसी भी चीज़ के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से जब लोग हम जुड़ते हैं वो सारी चीज़ें राहु हैं। अगर मैं ये वीडियो आज आपके सामने लेकर आ पा रहा हूँ तो उसका भी जरिया राहु ही है। तो इस तरीके से कलयुग के राजा हम लोग कहते हैं, तो राहु को कहेंगे। तो राहु और वन और फोर और वन की जो एनर्जी है ये बेस्ट एनर्जी है। अब आप सोच रहे हैं कि किस फील्ड में ये लोग जाएं, तो सबसे पहले बात करते हैं कि एजुकेशन की, तो इन लोगों को क्या करना चाहिए, साइंस की फील्ड में जाना चाहिए, कॉमर्स की फील्ड भी इनके लिए अच्छी है और आर्ट साइड की फील्ड भी इनके लिए अच्छी है, लेकिन अगर इनको चूज करने का मौका मिलता है तो इनको साइंस साइड को चूज करना चाहिए, क्योंकि ये लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, साइंटिस्ट भी बन सकते हैं और ऐसे ऐसे क्षेत्रों में जा सकते हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जहां भी विचार से कार्य होना होगा वहां सब लोग राहु से संबंधित हैं। तो इनके प्रोफेशंस क्या होंगे, देखिए चाहे ये साइंटिस्ट बने, चाहे किसी लैब में वर्क करें, ये चाहे किसी गाड़ी वाले मैकेनिक वाले उसमें काम करें, कुछ भी कार्य करें, जहां पर इनको सोचने का मौका दिया जाएगा ये लोग वर्क करने के लिए आगे हैं। इनको अगर आप किसी मंच पर खड़ा कर दें तो ये बहुत अच्छे भाषण दे सकते हैं, लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, इस तरीके की पावर लिए हुए फोर और वन। अब बात करते हैं लव एंड रोमांस के फील्ड में ये लोग कैसे होते हैं। देखिए लव एंड रोमांस के फील्ड की जब मैं आपसे चर्चा करता हूं तो राहु सबसे पहले क्या करते हैं, राहु यही कार्य करते हैं कि जो हमारा अपोजिट सेक्स है उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और उसको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए तरह तरह के विचार बनाते रहते हैं, क्योंकि राहु जो है विचार है, विचार और विचार कैसे हैं कि अगर मैं किसी को पसंद करता हूं तो वो भी मुझे पसंद करे, तो इस तरीके के तिगड़म में लगे रहते हैं, तो ऐसे लोग सक्सेसफुल होते हैं इस फील्ड में। अब बात करते हैं कि इनकी स्पाउस किस क्षेत्र से आती है, तो उससे पहले हमें क्या देखना होगा कि कौन से वो नंबर हैं जो इनके लिए पॉजिटिव है। तो सबसे पहले फोर नंबर इनके लिए पॉजिटिव है, वन नंबर इनके लिए पॉजिटिव है, अगर ये सेवन नंबर को अपनी लाइफ में लिया है वेल एंड गुड, अगर ये फाइव नंबर को अपने पास लेकर आते हैं तो इनका बैलेंस हो जाता है, इनको एकदम बढ़िया कार्य होता है। तो इनकी वाइफ यदि फाइव नंबर से, वन नंबर से या फोर नंबर से आती है तो इनके लिए बहुत अच्छी रहती है। अब बात करते हैं इनके कलर्स की, तो देखिए राहु का कलर तो ब्लू कलर ऑफ एनर्जी है, तो ये ब्लू कलर हो, रेड कलर ऑफ एनर्जी, इन तरीके के सारे कलर, ग्रीन कलर ऑफ एनर्जी, ये तीनों कलर इनके लिए बेस्ट माने जाते हैं। अब हम लोग चर्चा करते हैं आपसे राहु के उन टिप्स के बारे में जो खास तौर से उन लोगों से जुड़े हुए हैं जो फोर और वन की नेगेटिव एनर्जी से जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहली बात आपको ये समझनी होगी कि फोर और वन की नेगेटिविटी है क्या। फोर और वन की सबसे बड़ी नेगेटिविटी ये है कि कोई भी विचार आया और इन्होंने उसको किसी से भी कह दिया, मान लीजिए उसको विचार को शेयर कर दिया, तो दूसरे की बुद्धि पता नहीं किस तरीके से वर्क करे, क्योंकि राहु वाले तरीके की बुद्धि तो सब लोगों की होती नहीं है,
तो इन लोगों को क्या होता है कि ये लोग को क्या, अरे नहीं भैया ये कैसे संभव है। राहु वाले कहते अरे संभव नहीं है, जब ही तो वो राहु है, अगर संभव होता आपको ये बात पता होती तो वो उसके ऊपर वर्क क्यों करता। तो राहु वाले अगर किसी से भी अपनी कोई बात शेयर कर देते हैं कि मैं इसके ऊपर काम करना चाहता हूं, तो समझ लीजिए वो काम होना ही नहीं है। उसका रीजन क्या है कि राहु के जो विचार होंगे वो ऐसे विचार होंगे जो ना कभी किसी ने सुने, ना देखे, ना कभी किसी भी तरीके की चर्चा में आए। तो इनके विचार एकदम लेटेस्ट होते हैं, नए होते हैं, तो इनको तो अपने विचार पर केवल वर्क करना है। तो केवल एक टिप मैं आपको यहां दे रहा हूं कि केवल और केवल जो भी माइंड में आपका विचार आए उस पर आप फोकस लगाकर वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए। नेम, फेम और पैसा सब कुछ आपको मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।